नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम हरजोत है और आप देख रहे हैं फॉर द लव ऑफ गैजेट्स। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे Realme X, जो कि रिसेंटली Realme चाइना में लॉन्च करने जा रही है, जो कि 15 मई को लॉन्च होगा। और हाँ, ये फोन डेफिनेटली इंडिया भी आएगा, इसमें कोई दो राय नहीं। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे ऑल द डिटेल्स अबाउट Realme X, क्या हमें पता है और क्या एंटिसिपेटेड किया जा सकता है। तो स्टार्ट करते हैं। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन को हिट कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, कोई क्वेरी हो तो जरूर पूछिए, फीडबैक भी दीजिएगा। स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, अगर आप कभी Realme चाइना वेबसाइट पर गए हो या फिर अदरवाइज ट्विटर पर Realme को फॉलो करते हो, तो उन्होंने एक वीडियो प्ले की है जिसमें उन्होंने Realme X की कुछ झलक दिखाई है। तो उस झलक से पता चलता है कि इसमें 3.5mm जैक जरूर होगा। पोर्ट हमें USB टाइप सी नहीं लगता, मैं इसके बाद एक पिक्चर दिखाऊंगा तो आप उससे अंदाजा लगा सकते हैं। सिंगल स्पीकर रहेगा और राइट में आपका ऑन ऑफ बटन, और सिमिलरली लेफ्ट साइड पे आपको वॉल्यूम अप एंड डाउन का बटन मिलेगा, जो आई थिंक अगर दोनों राइट साइड पर रहें तो ज्यादा प्रेफरेबल रहता है। तो आइए नजर डालते हैं इस पिक्चर पे। अब दोस्तों बात करते हैं डिस्प्ले की। इसमें आपको 6.5 इंचेस का डिस्प्ले मिलेगा। ये गोरिल्ला ग्लास 5 के साथ डेफिनेटली आना चाहिए, क्योंकि Realme ने Realme 3 Pro में भी गोरिल्ला ग्लास 5 दिया है, तो आई डोंट थिंक यहाँ पे कोई चैलेंज आना चाहिए। डिस्प्ले रहेगा सुपर एमोलेड, क्योंकि वंस अगेन अगर आप Realme चाइना वेबसाइट पर जाएंगे तो आप वहां देख सकते हैं कि एक पिक्चर ऐसी है जहां पे उन्होंने फिंगरप्रिंट का इंप्रेशन दिया है, तो डेफिनेटली ये एमोलेड डिस्प्ले के साथ आएगा। और तो और माधव सेठ ने भी अपने आस्क मी माधव या आस्क मी 5 एपिसोड में ये बहुत क्लियर कर दिया था कि डेफिनेटली एक डिवाइस बहुत जल्दी आ रहा है जो कि एमोलेड डिस्प्ले बेस्ड होगा। आप चाहें तो वो वीडियो देख सकते हैं। तो ये रही एक डिस्प्ले पे नजर। तो दोस्तों अब बात करते हैं बैटरी की, क्योंकि ये एमोलेड डिस्प्ले बेस्ड होगा। आई थिंक बैटरी 3700 mAh की होनी चाहिए, जैसे आपने V15 Pro में देखा। अगर ये IPS डिस्प्ले के साथ आता तो हो सकता है 4000 mAh बैटरी मिलती, बट यू नेवर नो। बट आई थिंक बैटरी 3700 mAh से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। प्लस ये आपको वो चार्जर का सपोर्ट दे रहे हैं जो कि बहुत ही बढ़िया, अमेजिंग फास्ट स्पीड चार्जिंग है 3.0, तो आई थिंक ये एक बहुत बढ़िया चीज़ है। चलिए आप चलते हैं कैमरास की तरफ। सो फ्रेंड्स, अगर कैमरा की बात की जाए तो फ्रंट में हमें 60 मेगापिक्सल का कैमरा सुनाई दिया जा रहा है, या फिर आप और वेबसाइट्स पे स्पेसिफिकेशन देख सकते हैं। बट आई थिंक कंसिडरिंग कि Realme 3 Pro में भी हमें 25 मेगापिक्सल का कैमरा मिला, तो फ्रंट में यहाँ पे 16 मेगापिक्सल का कैमरा वुड नॉट बी गुड। एटलीस्ट 20 मेगापिक्सल तो होना ही चाहिए, नहीं तो फ्रंट पिक्चर्स इतनी अच्छी नहीं आएंगी। एट द रियर वी आर गेटिंग द फ्लैगशिप सोनी IMX586, यस आई थिंक दे हैव हर्ड इट। और यही रीज़न है कि आई थिंक वाई Realme X इज लीविंग नो स्टोन अनटोन, कि अगर कल को Xiaomi A3 लॉन्च होता है तो इट शुड नॉट बी एबल टू बीट द Realme X। लेकिन एक चीज़ जो भी लीक्स में क्लियर नहीं हुई, इसमें वाइड एंगल कैमरा मुझे नहीं दिख रहा, विच कुड बी अ बिट ऑफ लेट डाउन अगर वो ऑप्शन आपको Realme A3 में मिला। क्योंकि आज की डेट में वाइड एंगल कैमरा बहुत ही ज़्यादा लोकप्रिय होता जा रहा है और लोग इसे पसंद करते हैं। आई यूज्ड इट माईसेल्फ इन V15 और ट्रस्ट मी, इट इज़ वेरी हैंडी और ये बहुत हेल्पफुल है। तो देखते हैं कुछ पिक्चर्स कैमरा सेटअप की भी। अगर प्रोसेसर या फिर हार्डवेयर की बात की जाए तो आपको मिलेगा स्नैपड्रैगन 730। अगेन सेम अप्रोच, MI A3 730 के साथ ही आएगा मोस्ट प्रोबेबली, सो दे शुड ऑल्सो लॉन्च Realme X विद 730। 2.2 GHz पे क्लॉक्ड 8 नैनोमीटर टेक्नोलॉजी पे प्रोसेसर बेस्ड होगा। आउट ऑफ द बॉक्स एंड्रॉइड पाई मिलेगा और GPU मिलेगा 618। तो परफॉर्मेंस होने वाली है दोस्तों एकदम झकास, मक्खन परफॉर्मेंस होगी, ट्रस्ट मी, आई डोंट थिंक नोबडी वुड कंप्लेन अबाउट इट। और तो और आपको ब्लूटूथ 5 मिलेगा। लाइकवाइज हमने कैमरा डिस्कस किया, उसमें आपको 4K भी मिलना चाहिए आराम से, तो आई थिंक EIS भी है, सो आई थिंक ऑन दोज फ्रंट्स इट वुड बी अ गुड हार्डवेयर डिवाइस। अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट आस्पेक्ट पे, ना बीवी ना बच्चा ना बाप बड़ा ना भैया, द होल थिंग इज दैट के सबसे बड़ा रुपया। सो दोस्तों इसकी प्राइसिंग Realme को ये दिमाग में रख के करनी पड़ेगी कि अगर ये Realme 3 Pro के आसपास लॉन्च किया जाता है तो डेफिनेटली पीपल वुड प्रेफर टू बाय Realme X। सो आई थिंक
मिनिमम 6GB से ये स्टार्ट होना चाहिए, क्योंकि अगर हम करंट डिवाइसेस देखें इसी टाइप के, वीवो V15, ओप्पो F11, वीवो V15 Pro, दे ऑल हैव 6GB रैम. आई थिंक वीवो V11 में 4GB भी है, बट आई थिंक 6GB इज ऑलवेज समथिंग प्रेफरेबल. तो मुझे लगता है कि इसका प्राइस टू बिगेन विद 19999 से कम नहीं होगा. क्यों? क्योंकि एनीथिंग बिलो दैट विल किल रियलमी 3 प्रो सेल्स. यहाँ दोस्तों मैं सोचता हूँ कि अगर 4GB वर्जन 19999 पे आता है, स्टिल आई विल बाय दैट इंस्टेड ऑफ रियलमी 3 प्रो 6GB वाला, बिकॉज दिस इज मोर वैल्यू फॉर मनी. और ट्रस्ट मी, आई वुड नॉट बी सरप्राइज्ड अगर जो 4/64 वाला वर्जन है वो 20999 पे लॉन्च किया जाता है, क्योंकि आई थिंक 4000 का डिफरेंस एक डिसेंट अमाउंट होगा दोनों की सेल्स में इशू ना लाने के लिए, क्योंकि इससे कम अमाउंट आई थिंक आप भी शायद रियलमी एक्स ही प्रेफर करेंगे. और रियलमी एक्स का जो 6GB वाला वर्जन होगा 128 स्टोरेज के साथ, आई थिंक वो समवेयर अराउंड 23999 के पास होना चाहिए. और अगर टॉप ऑफ द लाइन वो कुछ ऐसा लॉन्च करते हैं 8GB, एंड आई थिंक दैट शुड बी 25999. सो दिस इज माई अप्रोच. आई थिंक इतना डिफरेंस उनको रखना पड़ेगा, नहीं तो अदरवाइज रियलमी 3 प्रो डेफिनेटली वी विल गोना हैव सेल्स क्रैशिंग. सो आई थिंक दिस इज इन्फॉर्मेशन वी हैव. अगर आपको कुछ और इन्फॉर्मेशन चाहिए, आप रियलमी चाइना की वेबसाइट पर जा सकते हैं, आप गूगल ट्रांसलेटर डाउनलोड करें. सो आई थिंक दिस इज द इन्फॉर्मेशन वी हैव. अगर आप और इन्फॉर्मेशन चाहते हैं, आप रियलमी चाइना वेबसाइट पर जाइए, गूगल ट्रांसलेटर को डाउनलोड कीजिए, और आप देख सकते हैं कि वो क्या इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं. दिस इज हाउ ऑल्सो आई एम चेकिंग, क्योंकि ट्रांसलेटर से आप चाइनीज को इंग्लिश में कन्वर्ट करके अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि क्या क्या अपडेट दिए हुए हैं. सो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही. होप करता हूँ ये आपको बहुत हेल्पफुल रहा होगा. प्लीज डू सब्सक्राइब द चैनल, हिट द बेल आइकॉन, लाइक एंड शेयर द वीडियो, कॉमेंट, कोई क्वेरी हो तो जरूर पूछेगा और फीडबैक जरूर देते रहेगा. मेरा नाम हरजोत है, आप देख रहे हैं फॉर द लव ऑफ गैजेट्स. जय हिंद, गॉड ब्लेस. Come on.